अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, वेजिटेबल ब्रेड ब्रेकफास्ट की रेसिपी। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है ये, आप बच्चों को टिफ़िन में भी बना के दे सकती हैं। उसके लिए जो हम यहाँ पर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें एक स्मॉल साइज़ की प्याज, एक स्मॉल साइज़ का टमाटर, इसका छिलका मैंने उतार लिया है और बारीकी से कट कर लिया है, थोड़ी सी गाजर लंबाई में कट की हुई, शिमला मिर्च एक अदद, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर लें, बंद गोभी थोड़ी सी। इसके अलावा जो हमने चीज़ें ग्राइंड करनी है, उसमें एक प्याली दही, तीन अदद ब्रेड, वाइट ब्रेड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, चार अदद स्मॉल साइज़ चिली यानी कि हरी मिर्च, स्पाइसेस इसमें यूज़ होंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे ये इंग्रेडिएंट्स इजीली ग्राइंड हो सकें। सबसे पहले हम ग्राइंडर में ब्रेड के पीसेज ऐड करेंगे, इसके दरमियान से हम पीस कर लेंगे ताकि इजीली ग्राइंड हो सकें। उसके बाद इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे, इसके साथ हम ग्रीन चिली ऐड करेंगे, इसके अंदर पानी इसके अंदर ऐड करेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि हमने अपना बैटर गाढ़ा ही रखना है, बस क्योंकि पहले हमने दही भी ऐड की है, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, अगर ये गाढ़ा ना हुआ तो हम पानी दोबारा ऐड कर लेंगे इसके अंदर। एक बाउल लूँगी यहाँ पे मैं, बैटर हमने अपना ग्राइंड कर लिया है, ये देखें इतना गाढ़ा ये सही है, इसके अंदर हम और पानी ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करेंगे, सबसे पहले प्याज, उसके बाद बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इस पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लिया है, इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे, काली मिर्च पाउडर और साथ ही नमक, इसे अगेन मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्सचर को हमने अपने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसके अंदर हम अंडा भी ऐड करेंगे जो मैं आपको बताना भूल गई थी, दो अदद अंडे ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। इससे इसका टेस्ट मज़ीद मज़ेदार हो जाएगा और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। नॉन स्टिक तवे के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, ऑयल ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे पहले। ऑयल हमारा थोड़ा सा प्री हीटेड हो गया है, थोड़ा सा मज़ीद हम इसे प्री हीट कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से प्री हीट हो गया है, अब हम इसके अंदर अपना बैटर ऐड करेंगे, सारा बैटर हम एक ही टाइम में ऐड कर देंगे, आप चाहें तो अपना साइज़ ये चेंज कर सकते हैं, और इसे चम्मच की मदद से फैला देंगे अच्छी तरह। लो फ्लेम पे हम अब इसे पकने के लिए रख देंगे ताकि एक साइड से जब ये अच्छे से बन जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे हमने लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया एक साइड से, अब हम चेंज करके देख लेते हैं इसकी साइड कि ये अच्छे से फ्राई हो गया कि नहीं। ये एक साइड से हमने इसे फ्राई कर लेंगे, देख लें नाइस सा कलर आया, दूसरी साइड से भी हम इसे इसी तरह फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये दूसरी साइड से भी हमारा अच्छे से तैयार हो गया है, मैं आपको चेक करवा देती हूँ, फ्लेम इसके नीचे हम बंद कर देती हूँ, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में मैंने इसे निकाल लिया है, मज़ेदार वेजिटेबल ब्रेड ब्रेकफास्ट की रेसिपी बन के तैयार है। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, इसके साथ आप चाय इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मज़े का ये नाश्ता बनता है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।